नमस्कार, देश की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और यहां पर सबसे पहले बात हम करेंगे बेंगलुरु में हुए मेट्रो पिलर हादसे की। यहां पर मेट्रो का पिलर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जो कि माँ और बेटे हैं। हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं, अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है और इस हादसे के पीछे लापरवाही को बड़ी वजह बताया जा रहा है। वाइफ हस्बैंड और एक बच्चे के साथ आ रहे थे। एक हफ्ते से ये पिलर गिरने का सूचना दे रहा था। हमने बताए थे डिपेंड अपन कुछ जो भी ऑफिसर से उनको पूरा बताए थे। इसका मौत का जिम्मेदार प्योरली मौत का जिम्मेदार कोई बोला तो इधर का कॉन्ट्रैक्टर हो, ये इससे रिलेटेड संबंध जो भी जो कंस्ट्रक्शन के लिए रिलेटेड है वही डिपार्टमेंट के, और ये जिसको कॉन्ट्रैक्टर दिया था जो डिपार्टमेंट जो पॉलिटिकल लीडर जो इसका डिपार्टमेंट का जो इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो भी प्योरली है। इनके नेग्लिजेंस की वजह से आज दो लोग की मौत हुई है। आज इधर गरीबों की मौत बोले तो उनको बच्चों का खिलौना हो गया। निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलुरु से, उनके पास चलते हैं निहाल किदवई। निहाल, इस हादसे के बारे में आप बताइए कि दरअसल ये जो जगह है वहां पर ये हादसा जब हुआ तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो किस तरह इसको बता रहे हैं कि क्या जाहिर लापरवाही तो रही होगी इसके पीछे, और मेट्रो अब इस तरह इसका इसको किस तरह से देख रही है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट भी इसको लेकर आया है उसमें किस तरह की जांच की बात कही जा रही है। देखिए, आपका पूरा सवाल मैं नहीं सुन पाया, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नागवारा और का वो इलाका है जहां ये हादसा हुआ। देखिए, ये पिलर है जो पूरी तरह से अभी बुरा हुआ है, और ये जो पिलर है वो जो पिलर गिरा था सड़क की दूसरी तरफ उसका ये आधा हिस्सा, अब आपको वो हिस्सा दिखाते हैं जो इससे भी काफी बड़ा है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये पूरा जो पिलर है देखिए ये गिर गया, देखिए ये कितना लंबा है, ये दूसरी तरफ रखा हुआ है, देखिए ये पूरा, देखिए ये पूरा स्ट्रेच इससे कवर हो गया यहां से लेकर के वहां तक, और ये दूसरा हिस्सा है, ये हिस्सा था जो यहां से सड़क के इसके ऊपरी हिस्से से ये गिरा, और ये जो बस जा रही है उसके बगल में जो पेड़ है वो भी देखेंगे आप कि वो भी थोड़ा टूट, उसकी डाली टहनी उसकी टूटी हुई है, वहां तक वो चला गया। देखिए कुछ पेड़ के बहुत सारे पत्ते और दूसरे आपके उसके दूसरे हिस्से भी दिखेंगे गिरे हुए, वहां तक गिरा, और वहां पर एक परिवार जो बाइक पे जा रहा था उसमें से दो लोगों की मौत हो गई, दो की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। बीएमआरसीएल का कहना है कि सुबह में ही इस पिलर की जांच हुई थी और इसमें किसी तरह की कोई खामी उस वक्त दिखी नहीं थी। जांच के बाद जैसे ही जांच के लोग अधिकारी दूसरे पिलर की जांच कर रहे थे उस वक्त ये पिलर अचानक से गिर गया जी। और उसके बाद इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। बीएमआरसीएल के मुताबिक इसमें लापरवाही नहीं है, लेकिन हकीकत है ये निश्चित तौर पर लापरवाही। आपको अभी हमने दिखाया कि किस तरह से सड़क के दोनों तरफ हेवी ट्रैफिक है, ये बाहरी रिंग रोड का इलाका है, और यहाँ पर अगर ये जो बैरिकेडिंग की गई है, ये जो फेंसिंग की गई है, इसको थोड़ा सा और ऊंचा किया जाता तो शायद बहुत हद तक एक डिटरेंस वहां पर हो सकता था, एक रुकावट होता और इस हादसे को बचाया जा सकता, रोका जा सकता था। बीएमआरसीएल यानी मेट्रो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे चला रहे हैं उसके अधिकारी अजमी परवेज जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि परिवार को 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं कंपनसेशन के तौर पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि उनके इंजीनियर यहाँ पर आएं और जांच करें कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी, मिट्टी सही था, आखिर क्या वजह हुई, इसकी जांच के लिए आईएएससी को बुलाया से आग्रह किया जाएगा, और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस ये पिलर क्यों मुड़ा, दूसरे पिलर अपनी जगह पर बिल्कुल सही तौर पर खड़े हुए। शुक्रिया निहाल आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ये वो जगह है जहां पर निहाल अभी दिखा रहे थे ये पिलर जो है वो गिरा है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है, और अब जो मेट्रो है वो उसकी जांच कराने की बात यहां पर कह रहे हैं। जोशीमठ में 678 मकान और दो होटल को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। आज से होटल के तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब जोशीमठ ही नहीं दूसरी जगहों से भी मकानों में दरार आने की खबरें आ रही हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। जोशीमठ में होटलों और मकानों को गिराने का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले मल्लारी इन नाम के होटल को गिराया जाएगा। होटल से सटे इलाके मंगलवार को खाली करवा लिए गए, उस तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी की टीम भी बुलडोजर समेत पहुंच गई। जोशीमठ में कुल 4,700 मकान हैं, जिसमें 678 मकान अब नहीं रहने लायक घोषित किए गए हैं। देखिए, जोशीमठ में माननीय
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मैं और चीफ सेक्रेटरी साहब गए थे और वहां पर हम लोगों ने मौके पे जायजा लिया और बहुत सारी कार्रवाइयां प्रचलित हैं। पुलिस की पूरी तैयारी है, कई बारी जरूरत पड़ेगी तो कुछ एरिया को सील भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर के वहां पे साइंटिफिक स्टडीज चल रही हैं, राज्य सरकार के निर्देशन में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका उत्तराखंड पुलिस अच्छे से जो है पालन करवाएगी। उधर जोशीमठ के लोग अब भी पुनर्वास और मुआवजे को लेकर गुस्से में हैं। हालांकि प्रभावित मकानों के मालिकों को राज्य सरकार ने 4,000 रुपए प्रति महीना देने का ऐलान किया है, पर लोगों की शिकायत है कि होटल और मकानों को गिराने की बात कही जा रही है लेकिन मुआवजे की बात नहीं हो रही है। पुनर्वास को लेकर अधिकारियों को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बुरी कंडीशन थी मनोहर बाग के, आपके पास आए और आपने क्या जवाब दिया? उत्तरा पांडे जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5,000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही हैं। नहीं, आपके पास बयान आए हैं मैडम, हम आपसे नहीं ऐसा कभी नहीं मैंने कहा। आप इस तरह किया, आप एक महिला, एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पा रही आपको। अच्छा, अभी ये समझ लीजिए, आपको कल मैं पीपल कोटी में हमारे सर, हम पीपल आपको कल करा देते हैं, कल शिफ्ट करा देंगे। लेकिन अब जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग के भी 50 मकानों में दरार आने की शिकायतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इनमें 2 दर्जन मकानों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। यहाँ भी स्थानीय प्रशासन मौके पर सर्वे कर रहा है कि आखिर ये दरारें कैसे आ गई हैं। उत्तराखंड में अंधाधुंध निर्माण, पानी के निकासी की समस्या और बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं को ही जोशीमठ के स्थानीय लोग मकानों में आई दरार का मुख्य कारण समझते हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने राहत और पुनर्वास का काम तेज किया है, लेकिन जब तक विकास और पर्यावरण में संतुलन नहीं होगा तब तक ऐसे ही देवभूमि में जगह जगह पर जमीनें दरकती रहेंगी। उत्तराखंड से हर्ष रावत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी उनके पास चलते हैं जोशीमठ पर ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, जो घर रहने लायक नहीं है उन्हें तो जाहिर है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, लेकिन जिनके ये घर हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? लोगों में थोड़ी नाराजगी भी है, और दूसरा और जगहों पर जहां पर दरारें देखी गई हैं वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है वो भी बताइए। देखिए आज ताबिश 2 होटलों को, माउंट व्यू और मलारी इन, ये 2 होटल्स हैं जिनको जिनके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन वो ध्वस्तीकरण आज नहीं हो सका और शायद कल या परसों से ध्वस्तीकरण शुरू किया जाएगा। और ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बुलडोज़र से जब आप किसी बिल्डिंग को बुलडोज करते हैं तो मलबा जो है काफ़ी मात्रा में इकट्ठे भारी मलबा नीचे गिरता है। तो जो ध्वस्तीकरण किया भी जाएगा वो मैन्युअली किया जाएगा, यानी मजदूर जो है वो छेनी हथौड़ी से ध्वस्तीकरण करेंगे। इसके लिए CBRI की एक टीम, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी भी एक टीम आज जोशीमठ पहुंच गई है जो ये रिसर्च करेगी कि जो इमारतें डेंजर जोन में हैं, लगभग 100 इमारतों को चिन्हित किया गया है जिनके आगे क्रॉस मार्क लगाया गया है, जिनका ध्वस्तीकरण होना है चरणबद्ध तरीके से, तो उनको किस तरीके से गिराया जाए जिससे आसपास के इलाके में और जोर ना पड़े। क्योंकि आज जैसा आप बता रहे हैं कि दरकने की, दरारें आने की जो घटनाएं हैं, जो घर हैं उनमें बढ़ती जा रही हैं ऐसी बातें। अब दूसरा सवाल होता है कि आज ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया क्योंकि जो होटल मालिक थे और जो आसपास होटलों के घर हैं वो लोग काफ़ी नाराज हो गए, सड़क पर आ गए। उन्होंने कहा कि इनको बिना किसी नोटिस के उनका ये होटल गिराया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, ऐसे में उनको मुआवजा नहीं दिया गया। और उनको वक्त तो दिया जाता ताकि अपना सामान ले जाते, उनको बताया जाता वो कहाँ बसाया जा रहा है, कहाँ लेके जाया जा रहा है। एक दिन पहले बस आदेश पारित किया जाता है और अगले दिन वहाँ पर टीमें पहुँच जाती हैं, तो इसलिए ध्वस्तीकरण आज नहीं हो पाया। बिजली काटी गई थी, बिजली वापस से चालू कर दी गई है, सड़क खोल दी गई, पहले सड़क भी बंद की गई थी। और जो पुनर्वास और मुआवजे की बात कर रहे हैं तो जैसा कि रवीश ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि 4,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कर रही है सरकार जिनको वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि 4,000 पर्याप्त नहीं है, उनको रखा कहाँ जाएगा। देखिए अभी तो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जो लोग हैं जिनको खाली कराया जा रहा है, लगभग 100 घर हैं जिनको खाली कराया जा चुका है, और लगातार जब हम और आप बात कर रहे हैं तब भी लोगों को खाली कराया जा रहा है, तो विस्थापन और पुनर्वास का जो काम है काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि
प्रशासन से, वो पहले काफी पहले से गुहार कर रहे थे, कोई योजना नहीं बनाई गई, जब अचानक से मामले बढ़े तो आनन फानन में कदम उठाया जा रहा है, तो पुनर्वास की और मुआवजे की कोई नीति नहीं बनाई गई है। 4,000 देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, उनका सामान लेने का उनको वक्त दिया जाए और उनको बताया जाए कि उनको बसाया जाएगा तो कहाँ बसाया जाएगा, तो ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं और देखना होगा कि कैसे ये ध्वस्तीकरण किया जाता है, क्योंकि बुलडोजर नहीं चलेगा, ये सरकार ने साफ किया है, मैनुअली इसको करने में काफी वक्त लगेगा। सवाल यही है ताबिश, क्या इतना वक्त है सरकार के पास, तो अब देखना होगा कि ये काफी कुछ अब प्रकृति पर भी निर्भर करता है। शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए। तो जो घर रहने लायक नहीं है उन पर इस तरह के निशान लगाए गए हैं जो आप तस्वीरों में यहाँ देख रहे हैं, और लोग जो विस्थापन जो किया जा रहा है उसको लेकर थोड़े नाखुश हैं, उनके अपने सवाल हैं कि उनको वक्त नहीं दिया गया सामान हटाने का, और जो जहाँ पर उनको ले जाया जा रहा है यहाँ से वहाँ पर उनके रहने की क्या व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों की अपनी चिंताएँ हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र के अहमदनगर तक देश के अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। पहले बैच में 40,000 अग्निवीर हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए स्पेशल कोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और ये सारी तैयारियां 8 महीने से कम वक्त में की गई हैं। पहले 10 हफ्ते इनकी बेसिक ट्रेनिंग होगी और बाद में एडवांस ट्रेनिंग दी जानी है। ये अग्निवीर 4 साल सेना में अपनी सेवाएं देंगे और इसमें से 25% जवानों को आगे के लिए भी नियुक्त कर दिया जाएगा, जबकि बाकी 75% जवानों को दूसरी जगह बेहतर मौका दिया जाएगा। तो अहमदनगर के आर्मी आर्म्ड कोर सेंटर और स्कूल में 1 जनवरी से अग्निवीर योजना के तहत तकरीबन 1800 अग्निवीरों का प्रशिक्षण जो है वो शुरू है, और 21 सप्ताह की इस ट्रेनिंग में पहले 10 हफ्ते बेसिक और फिर एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। देश के अलग अलग हिस्सों से देश की रक्षा करने का सपना लेकर आए ये जवान जोश से भरे हुए हैं। सुनील हमारे साथ हैं, सुनील बताइए किस तरह से ट्रेनिंग जो है वो चल रही है। टैंक से गोले लागने की ट्रेनिंग वहाँ पे खासतौर से दी जाएगी, और इसी की शुरुआत 1 जनवरी से हो चुकी है। जो भी वहाँ पे प्रशिक्षु हैं तकरीबन 1800 हैं, जो कि कड़ी जो है कि जो प्रशिक्षण का जो होता है उस प्रक्रिया को पार करते हुए चयन किए गए हैं, और अब उनका प्रशिक्षण वहाँ पे शुरू किया गया है, जिसमें कि फिजिकल ट्रेनिंग साथ में है और मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उन्हें मजबूत किया जा रहा है, उनकी काबिलियत को परखा जा रहा है और साथ ही काबिलियत उन्हें बढ़ाई भी जा रही है, और उन्हें शिक्षण दिया जा रहा है और सामरिक कौशल का भी उनको ट्रेन किया जाएगा, और जब ये 21 सप्ताह की जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब उन्हें अलग अलग रेजिमेंट में उन्हें शामिल किया जाएगा। तो कोशिश यही है कि एक अग्निवीरों के रूप में एक जो है कि प्रशिक्षित जवान बनाए जाएं, कुशल जवान बनाए जाएं, जो सीमा पे चौकसी भी करें, वक्त पड़ने पर जो सामरिक युद्ध है उसकी रणनीति है उससे परिचित रहें, चाहे कौशल से परिचित रहें और मुकाबला भी करें और देश की रक्षा में हो, और इसको लेकर जो जवान जो शामिल हुए हैं बहुत ही जोश है उनके अंदर और सभी देश की सेवा करने के लिए एक तरह से वो सोच रहे हैं। शुक्रिया सुनील जी आपका इस सब जानकारी के लिए। राजौरी में पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों के बाद वहां फिर से ग्रामीण रक्षा समितियों को सक्रिय किया जा रहा है। राजौरी और पुंछ में ग्रामीणों को हथियार और उसको चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हथियार चलाने की ये ट्रेनिंग आत्मरक्षा के नाम पर है। मेरी आंखें सीधा देखती हैं और हमारी जो राइफल है वो कंधे पे होती है। राजौरी के डांगरी में आम लोगों को सीआरपीएफ के जवान सिखा रहे हैं कैसे आतंकियों से लोहा लिया जाए। ये वही जगह है जहां पिछले दिनों आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, इसमें 5 लोग मारे गए। बाद में हुए आईडी धमाके में 2 बच्चियों की मौत भी हो गई। शुरुआत में गांव में रहने वाले पूर्व सैनिकों को 303 और SLR राइफल्स के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है सर, निशाने के लिए बताया सर, गन जो खराब है उसके लिए बताया सर कि ये गन खराब है अगर जिसकी वो ठीक कर देगी। बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है सर हमें, SHO साहब भी थे, बहुत अच्छा काम हुआ है हमारा, लेकिन हम देश के लिए बहुत
तैयार हैं हम, करवानी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और तैयार भी मिलने चाहिए इधर बीडीसी वालों को। बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि मैगजीन क्या है, बोल्ट क्या है, फायर कैसे करना है, तो इसलिए हम इनकी शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो गन हर आदमी ले सकता है, वरना इसको यूज करने का भी पता होना चाहिए। राजौरी और पुंछ में जिस तरह से हाल के दिनों में आतंकी हमले में खास समुदाय को निशाना बनाया गया, उससे जम्मू कश्मीर में फिर ग्राम रक्षा समितियों को सक्रिय किया जा रहा है। पुराने हथियार की जगह नए हथियार दिए जा रहे हैं। जो लोग हथियार नहीं चलाना जानते हैं, उनको नए सिरे से पुलिस, सेना और CRPF की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। विलेज डिफेंस कमिटीज को जो भारत सरकार और यूनियन टेरिटरी सरकार ने स्ट्रेंथन करने का फैसला किया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे लोगों में सुरक्षा की भावना आएगी। यहाँ से माइनॉरिटीज को जो जम्मू के हिली रीजन है, एर्सवाइल डोडा, जिसका आज किश्तवाड़, डोडा और रामबन तीन जिले बने हैं, और राजौरी पुंछ और किश्तवाड़ और मोहर तहसील जो रियासी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, इन जगहों पर बहुत सारे मैसेकर हुए थे लेट 1990s में और अर्ली 2020 में। और ये प्लान वही था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पहाड़ों से भगाया जाए। कुछ तो उस वक़्त प्लेन इलाके में, रियासी में कैंपों में आकर रहे भी, लेकिन इस प्लान को विफल करने में विलेज डिफेंस कमिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। 1995 में इन विलेज डिफेंस कमेटी ने आतंकवाद को उखाड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी ट्रेनिंग से लोगों में भरोसा पैदा होगा और आतंकियों में हिचक पैदा होगा, लेकिन आत्मरक्षा के नाम पर हथियार और ट्रेनिंग देने का काम दरअसल एक दुधारी तलवार जैसा है, जिसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। श्रीनगर में नजीर मसूदी के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, NDTV इंडिया। इंदौर में चल रहे प्रवासी सम्मेलन में कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां के स्वाद की तारीफ करने का असर तुरंत ही दिखने लगा है। दरअसल NRI सम्मेलन में भाग लेने आए कतर और कीनिया के प्रवासी आज इंदौर के मशहूर 420 नमकीन फैक्ट्री पहुंचे, और इस फैक्ट्री का नाम राज कपूर की फिल्म श्री 420 के नाम पर पड़ा है। यहां पहुंचे NRI का कहना है कि PM के मुंह से तारीफ सुनने के बाद वो इस फैक्ट्री को देखने आए हैं और इस जायके को कतर भी लेकर जाएंगे। इंदौर की जिस नमकीन के जायके का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, वो इंदौर में अब ऐसे हलवाइयों के यहाँ नहीं, ऐसी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बन रहा है। यहाँ की आप साफ सफाई देख सकते हैं, और ऐसे ही इंदौर को देश का सबसे साफ शहर नहीं कहा जाता। बगल में दालमोट और इस तरह के नमकीन देखिए, आप सारी मशीनों से पहले आप हलवाई जो जिसको कड़ाहे में तलता था, वो सारी अब ऐसी अत्याधुनिक मशीनों से, और इसे ही देखने कई विदेशियों का दल इंदौर और आसपास जो इस तरह की फैक्ट्री हैं छोटी मोटी, वहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह की मशीनों से प्रोसेसिंग होती है और फिर नीचे में इसका जो पूरी तरह से पैकेजिंग करके, और इसमें से कई सदस्य जो शारजा, दुबई या कीनिया से आए हैं, उन्होंने हमें बताया कि कैसे यहाँ से मशीनों से सारी चीज़ें, सो दिस प्लांट इज ऑटोमेटेड एंड यू आर टेस्टिंग द डेलीकेसी। Yeah, it's a fully automated plant and it's very cleanly, as the indoor is the cleanest city, inside also it's very hygienic. पहले हमने देखा था हलवाइयों के यहाँ कढ़ाई में तेल उबलता था, ये तो पूरी मशीन पूरा ऑटोमेटिक है, बिना टच करी हुई, यहाँ से पैकिंग से लेकर आखिरी तक कहीं का टच भी नहीं आता, पूरा मशीन में कच्चा माल डाला। आगे क्या तेल था, क्या था? तेल था, फ्रायर था, तेल था, तेल लगा के मसाला लग के डायरेक्ट पैकिंग तक जा रहा, बिना ह्यूमन टच के, अलग बन रहे, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें बनती है, अलग अलग पैकिंग होती है। ये फ्राइंग्स आइटम है, ये भी तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट आपने देखा इस मशीन में पीछे, और यहाँ बहुत ज्यादा, अब जैसे हम कह रहे थे कि अब इस तरह की दुनिया नहीं रह गई, इंदौरी नमकीन ऐसे ही खास नहीं है, इसके कई सारे मायने हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की फैक्ट्री जो इंदौर के आसपास छोटे स्तर पर लगी हुई है, और उसमें से दुनिया के कई देशों में और देश के कई हिस्सों में इंदौर का नमकीन लोगों के जायके को बढ़ा रहा है। इंदौर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी कल्पना पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के समय की थी, जो अब साकार हो रहा है। गंगा की रेत पर 100 एकड़ में 600 टेंट बनाए जाने थे, पर पहला साल होने के कारण इस बार 270 टेंट ही बनाए गए हैं। तो कैसा है ये टेंट सिटी और क्या इसका टैरिफ है, इस रिपोर्ट में आप जानिए। गंगा की लहरों के करीब ये टेंट सिटी गुजरात के केवड़िया में बनी टेंट सिटी के तर्ज पर तैयार की गई है। ये 12 जनवरी तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी। 15 जनवरी से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें तीन तरह के कॉटेज हैं, डीलक्स, सुपर डीलक्स और स्वीट। इनका किराया 3 स्टार से 5 स्टार होटलों जितना है, तकरीबन 4500 से लेकर 20,000 तक। टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ है। उन्हीं का विजन है कि गंगा की रेत जो अनयूटिलाइज हमारी रहती है, उसको कुछ ऐसी सुविधा में डेवलप किया जाए ताकि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। और पर्यटक जनरली जो वाराणसी में एक नाइट स्टे के लिए आते हैं, उनकी नाइट स्टे बढ़ सके और वाराणसी की इकोनॉमी को और बूस्ट मिल सके। यहाँ कम्युनिटी हॉल, योगा पार्क, वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं होंगी। यहाँ सब कुछ सात्विक होगा। किसी तरह का मांसाहारी भोजन या शराब प्रतिबंधित है। यहाँ बनारस के व्यंजन परोसे जाएंगे और बनारस घराने की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी। हम लोग वीक में 1 या 2 दिन वहाँ पे कल्चरल नाइट्स कर सकें और जो हमारे संगीत के या हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो लोग होते हैं, वोकल या इंस्ट्रूमेंटल या अलग अलग प्रकार की विधाओं के, उन सारे कलाकारों को बुला के वहाँ पे एक सांस्कृतिक मंच भी दिया जा सके, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी किया जा सके। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आने वाले 6 महीने में इस टेंट सिटी में की जाएगी। टेंट सिटी की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था है और अलग से पुलिस चौकी बनाकर जवानों की तैनाती की गई है। जब तक ये टेंट सिटी रहेगी, तब तक के लिए 2 अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं जिन पे पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग की गई है। लगातार रात में भी राउंड के लिए यहाँ बाइक्स रहेंगी, जो यहाँ पे जो टेम्प्रोरी सड़कें बने हैं उन पे चारों तरफ वो पेट्रोलिंग भी करेंगे और रात में सुरक्षा के लिए सुरक्षा गश्त भी लगाई गई है, जो रात में अलग अलग जगह पे सुरक्षा करेगी और लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए पुलिस यहाँ पे मुस्तैदी से ड्यूटी करेगी। अब बस इंतजार है यात्रियों के आने का, जिससे बनारस के पर्यटन उद्योग में एक बड़ा सहयोग मिल सकेगा। वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली के कंझावला में 20 साल की अंजलि की मौत के मामले में उसके घरवाले कल से सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। उनकी मांग है कि पुलिस हत्या का केस दर्ज करे और इस मामले की जांच CBI करे। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है। कड़ाके की सर्दी में अंजलि के घरवाले सुल्तानपुरी थाने के बाहर सोमवार से धरने पर बैठे रहे। उनका कहना था कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा है, इसलिए उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और इस मामले की जांच CBI करे। उसमें एक CCTV फुटेज भी आया और एक आरोपी ने यह भी कहा है कि 2 मिनट के बाद वो लोग उतरे थे 200 मीटर के बाद और उनने देखा और उनने देख लिया था कि नीचे अंजलि फंसी हुई है। सर, उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि अब इसको मारना होगा, अगर नहीं मारा तो ये हमें सलाखों के पीछे ले जाएगी। तो दिल्ली पुलिस जिस मोटिव और इंटेंशन की तलाश इतने दिनों से कर रही थी, कल उनको एक्यूज के बयानों में ये मिल गया है। तो मुझे, मेरा और परिवार का यही मानना है कि सारे आरोपियों पर 302 का मुकदमा दायर हो और अंजलि के जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा। अंजलि हम शर्मिंदा हैं। इंसाफ के लिए अंजलि के परिवार और इलाके के लोगों ने सोमवार शाम कैंडल मार्च भी निकाला। मंगलवार को बाहरी दिल्ली के DCP हरेंद्र कुमार सिंह पीड़ित परिवार से मिले। DCP साहब ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी दिल से हम कर रहे हैं, हमारी इतनी टीम लगी हुई है, 18 कम से कम 200-250 बंदे लगे हुए हैं आपके केस में। अगर हम छानबीन नहीं करते तो ये एविडेंस भी नहीं इकट्ठे होते, 304 भी नहीं लगाई जाती, धारा वो लगती अवेलेबल, हमने ऐसी धारा लगाई है कि मुजरिम बाहर भी ना जा सके। डायरेक्ट 302 लगाते हैं तो उसका एविडेंस देना पड़ेगा, हम डायरेक्ट भी 302 नहीं लगा सकते। और दूसरी बात ये कि कल से आप धरने पर बैठे हैं, बहुत ठंड बहुत ज्यादा है, तो क्या अब आप संतुष्ट हैं, क्योंकि आप धरने से उठ जाएंगे आप लोग? हाँ जी। अंजलि के मामा जो बता रहे हैं कि
पुलिस की जांच से वो संतुष्ट है और बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह से जो उनकी मुलाकात हुई है उसकी उनकी बातचीत से ये संतुष्ट हैं और अब थाने के बाहर जो कल से बैठे हुए हैं यहाँ से अब घर जाएंगे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।